दोस्तों ये है नू रिपब्लिक की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ उनका एक नया वायरलेस ईयरबड्स, और यहाँ पर इस ईयरबड्स का नाम है ट्रांसफॉर्म एक्स, और ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है। बेसिकली इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है, और अगर आप गेमिंग करते हैं, कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा चाहिए, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं भीड़ भाड़ में आपको साउंड क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए, बेस अच्छा चाहिए, तो ये ईयरबड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आज की इस वीडियो में इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा रिव्यू शेयर करूँगा कि ये डिवाइस कैसी है, आपको इसे परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या डिटेल है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, साथ ही साथ अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बॉक्स है नू रिपब्लिक के ट्रांसफॉर्म एक्स ईयरबड्स का। यहाँ पर अगर बॉक्स के ऊपर बात करें तो काफी सारी हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आपको 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, 350 आवर्स का स्टैंडबाई टाइम आपको देखने को मिलता है, और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, जिससे अगर आप 15 मिनट इसको चार्ज करते हैं तो 200 मिनट का ये आपको बैकअप दे देगा। साथ ही साथ इसके अंदर काफी सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिलता है, ENC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलता है, 13 mm का इसमें आपको नियोडिलियम जो ड्राइवर है वो देखने को मिलता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया है, टच कंट्रोल ईयरबड्स पे आपको देखने को मिलेंगे, डुअल मोड गेम और म्यूजिक दोनों का मोड आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको हॉल सेंसर फंक्शन भी देखने को मिलता है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ केस को ओपन करके ही इसे डायरेक्टली पेयर कर सकते हैं, स्वीट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी इसमें जो है वो दिया गया है। फटाफट से इसको हम अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स करके आपको सारी चीज़ें अभी मैं सो करता हूं। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं न्यू रिपब्लिक के साथ में मैंने देखा कि इनकी जो पैकेजिंग होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, आप देख सकते होंगे काफी कूल पैकेजिंग के साथ में आते हैं। सबसे पहले ऊपर की साइड में हमें यहां पर डायरेक्टली जो ईयरबड्स है वो देखने को मिलता है, फटाफट से इसको मैं बाहर निकालता हूं, और जो ईयरबड्स है वो कुछ ये है हमारे पास में। तो ये है कुछ हमारे पास में ईयरबड्स। अगर मैं इसके अंदर की साइड देखूं तो हमें एक चार्जिंग केबल इसका डायरेक्टली देखने को मिलता है, और अगर मैं इसे बाहर करता हूं तो इसमें हमें एक टाइप सी चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको एक कार्ड देखने को मिलता है नू रिपब्लिक का। अब मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को साइड में करता हूं और देखता हूं अपने ईयरबड्स को। यहां पर जो ईयरबड्स है कुछ ये है हमारे पास में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते होंगे, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ में आता है। यहाँ पर आपको स्लीक डिज़ाइनिंग दी गई है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो गेमर्स के लिए स्पेशली किया गया है, जैसे कि अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है, और यहाँ पर आप इसकी इस LED पैटर्न्स को देख सकते होंगे, यहाँ पर आपको कुछ ये लाइट जल रही है। इसके साथ में ईयरबड्स पे जो लाइटें हैं वो हल्की ब्लूइश ब्लिंक हो रही है, तो वाकई इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नू रिपब्लिक ने बनाया है। अगर बात करें इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो जैसे हम इस केस को बंद करते हैं जो लाइट का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, केस को ओपन करने के बाद में ग्रीन कलर की लाइट फ्लैश होती है, आई होप आपको दिख रहा होगा, और जैसे हम केस को बंद करते हैं जो लाइट का कलर है वो टोटली यहाँ पर ब्लू हो जाता है, तो ये इसको एक काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने पे डायरेक्टली यहाँ पर पहले रेडेस्ट लाइट फ्लैश होती है इस ईयरबड्स के अंदर, उसके बाद में ब्लूइश लाइट फ्लैश होती है। तो ये कुछ फीचर्स इसमें दिए गए हैं, और वाकई यार इसकी डिज़ाइनिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप पीछे की साइड में देखेंगे तो इसका चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग का स्लॉट इसमें दिया गया है। नीचे की साइड में पीछे की साइड में आपको नू रिपब्लिक की जो ब्रांडिंग है वो डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फटाफट से इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर XBase टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसी अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 60 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, टोटल प्ले टाइम देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बॉक्स पे दिखाया था। और इसमें आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर जो रिस्पॉन्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ENC टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। तो यहाँ पर अगर आप इसे डायरेक्टली कॉल वगैरह पे बात कर रहे हैं या फिर आप नॉइजी एनवायरमेंट में इसे यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ इसमें वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिलता है, जैसे आप इसे टच करते हैं, टच करने से ही वॉइस असिस्टेंट वगैरह का जो फीचर है वो डायरेक्टली इनेबल
अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपको हॉल सेंसर फंक्शन देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों होता क्या है कि डायरेक्टली अगर आप यहां पर ट्रांसफॉर्म एक्स ये जो ईयरबड्स है अगर इसे डायरेक्टली आप इस केस को ओपन ही करेंगे तो ये जो डिवाइस है वो चार्जिंग केस को ओपन करते ही डायरेक्टली पेयर हो जाएगा, आपके स्मार्टफोन से डायरेक्टली पेयर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ब्लूटूथ रेंज जो है वो डायरेक्टली 10 से लेकर के 15 मीटर तक की देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा वाइडर है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस न्यू रिपब्लिक के न्यूली लॉन्च्ड ट्रांसफॉर्म एक्स वायरलेस ईयरबड्स के बारे में। अब फटाफट से मैं डायरेक्टली इसको अपने ईयर्स पे लगाता हूं और आपको इसका जो साउंड क्वालिटी है वो अभी मैं दिखाता हूं। तो उससे पहले अभी डायरेक्टली हम इसे अपने स्मार्टफोन से करेंगे पेयर। तो यहां पर अभी मैं डायरेक्टली सिर्फ इसके केस को ओपन कर देता हूं। केस को ओपन करने के बाद में अभी मैं फिलहाल इसको पेयर करने जा रहा हूं। तो पेयर करने के लिए हम ब्लूटूथ को ओपन करेंगे और डायरेक्टली अब हम इस डिवाइस को सर्च करेंगे, देखते हैं कि तो जैसे ही आप देखिए यहां पर इसका जो कोड है वो डायरेक्टली आ चुका है अवेलेबल डिवाइसेस में। मैंने इसको इसके केस से बाहर भी नहीं किया है, हम फिलहाल इसको पेयरिंग मोड पे डाल देंगे। अभी पेयर ये हो रहा है हमारे स्मार्टफोन से और अभी डायरेक्टली ये जो डिवाइस है वो पेयर हो चुकी है। तो अभी ये जो डिवाइस है वो पेयर हो चुकी है और अभी यहां पर सारी जो डिटेल्स है वो मेरे स्मार्टफोन पे दिखना स्टार्ट हो गई, बैटरी बैकअप सारी चीजें, और अभी इसकी जो लाइटें हैं वो यहां पर ब्लिंक होना भी बंद हो गई हैं। तो फटाफट से मैं इसको अपने ईयर्स पे लगाता हूं और अभी मैं चेक करता हूं कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है, इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस क्या है, क्या फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैंने इसका साउंड क्वालिटी जस्ट चेक किया है, मैंने इसमें कॉलिंग एक्सपीरियंस भी इसका चेक किया और साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको बेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो क्लैरिटी है क्लैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और इसका जो रेंज है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसके 10 से 15 मीटर की दूरी पर भी लेकर के जाएंगे अपने डिवाइस को यहाँ पर छोड़ करके तो ये अनपेयर नहीं होगा। और जैसे काफ़ी सारे ईयरबड्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, अगर आप दूर चले जाते हैं तो साउंड जो है वो मतलब रुक रुक के आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अभी मुझे फेस करने को नहीं मिली। साथ ही जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें ENC होने की वजह से, इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन होने की वजह से, अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में भी हैं तो कोई भी दिक्कत आपको बात वगैरह करने में नहीं फेस करने को मिलती। तो न्यू रिपब्लिक की तरफ से ये जो नया ट्रांसफॉर्म एक्स जो वायरलेस ईयरबड्स है जो लॉन्च हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप जाकर के इसे ले सकते हैं। इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो उस पर जाइए और यहाँ पर क्लिक करके इस डिवाइस को अभी के अभी परचेज करिए।